मैं छोड़ देगा, ही इज आल्सो वर्किंग नो ब्रदर। Can you hold something on the sketch or something on the other hand and then you can do it? I can put the sketch. Sorry. We'll do it, right? Sorry, I have to change it. Slip ho gaya. Nahin. There you go. Iska 5 wala pound. Yes, sir. This is not coming. Only you can hold it in your hand. Catch. No, actually holding it as if he's seeing it. चंद्र इनसाइड आउटसाइड any more निखिल जी, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि रोडीज में आपने जो है जीत गए रोडीज और अभी टैटू, तो मतलब कितना मुश्किल होता है टैटू बनाना और क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का टैटू बना रहे हो आप? सी ऑनेस्टली, टैटू बनाना मुश्किल होता है पर अब मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनिशियली जब मैंने टैटू बनाना शुरू किया था तो यूट्यूब नहीं होता था कि यूट्यूब पे देख लो कैसे करते हैं क्या चीज़ और आप सीख सकते हो यहीं से 30 सेकंड्स के अंदर। दैट वाज नॉट माय केस। मेरे केस में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा टैटूइंग के प्रोफेशन के अंदर भी। एंड बिफोर नरेंद्र मोदी, आई मीन आई हैव यू नो टैटूड फ्यू, लाइक मैंने भगत सिंह का टैटू बनाया है, मैंने सुभाष चंद्र बोस का टैटू बनाया है। मतलब देर आर पेट्रियॉट्स जो मतलब देशभक्त लोग हैं बनवाते हैं इस तरह के टैटूज। मोदी जी का कंसेप्ट वॉज द फर्स्ट टाइम
और अच्छा लगा काफ़ी बना के, बिकॉज द थॉट वाज न्यू, इंस्पिरेशन वाज न्यू, काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने. सो द टाइम दिस गर्ल केम अप विद द थॉट कि यू नो शी इज़ राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड यू नो ऑन मिस्टर मोदी एंड शी वॉन्ट समथिंग टैटू रिलेटेड टू दैट. आई केम अप विद द थॉट कि वाई नॉट अ पोर्ट्रेट, यू नो आई गिव यू समथिंग जो एकदम मिस्टर मोदी जैसा लगेगा, दैट विल बी एन इंस्पिरेशन इटसेल्फ. उनको ये आइडिया पसंद आया एंड वी मेड इट. और आपकी बात करें तो आपने टैटू बनाना कब से स्टार्ट किया और कैसे मतलब इसकी शुरुआत हुई? सी टैटू बनाना मुझे 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए टैटूज बनाते हुए. इनिशियली इट वाज अ पैशन कि आई हैड टू गेट इनटू समथिंग ऑफ दिस प्रोफेशन, बिकॉज मैं आई यूज टू डू स्केचिंग पोर्ट्रेट्स एंड ऑल, बट टैटूइंग वाज समथिंग यू नो व्हेन आई वेंट नेपाल 2002 में मैं शायद नेपाल गया था, वहाँ मैंने फर्स्ट टैटू बनवाया था अपना. और जो जिस आर्टिस्ट ने मेरा टैटू बनाया वो मेरे हाथ पे ड्राइंग कर रहा था, जैसे कैनवस पे आप ड्राइंग करते हैं, लेकिन यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ. तो वहाँ ये मुझे फतूर छाया कि मुझे टैटूइंग सीखना है. तो एक बार मैंने लाइक आई थिंक मैं डेल इंटरनेशनल में काम कर रहा था एज अ टेक्नीशियन, एंड एक लोन पास हुआ मेरा 2.5 लाख रुपये का, और मैंने 1 लाख रुपए की टाटू इक्विपमेंट्स मंगवा लिए यूएस से. अगर ठीक है, अगर बना पाए तो ठीक है, नहीं बनाया तो ईबे पे बेच दूंगा. सो दैट्स वेयर आई गैम्बल्ड विद माय सेल्फ. दिस इज माय फर्स्ट टाटू, इस पर मैंने सीखा है JESUS. इसके ऊपर मैंने 3 बार काम करा एंड आई लर्न ऑन दिस. जब ये बनाया तो लोगों ने कहा कि अरे यार तूने बना लिया, मेरे भी बना. तो जब 50 साल टाटू बना चुका तो उसके बाद आई केम अप विद द थॉट कि अब टाटू स्टूडियो खोल सकता हूँ मैं, बिकॉज आपके पास क्लाइंट कुछ भी फरमाइश लेके आ सकता है. आप उसको क्या करोगे, यार ये कैसे बनाऊंगा? अगर ये थॉट आ गई आपके दिमाग में तो यू आर नॉट अ गुड आर्टिस्ट. फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड आर्टिस्ट, देन यू कैन बिकम अ टैटू आर्टिस्ट. इट्स लाइक दैट. और आपकी बात करें तो जो है सब लोग पहले टैटू बनाना सीखते हैं दूसरे के ऊपर, मतलब ट्राई कर. आपने खुद के ऊपर ही टैटू बना लिया? ब्रदर जिस टाइम पे मैंने टैटूइंग बनाना सीखा था उस टाइम पे लोग बहुत डरते थे इस चीज से, कोई अपनी स्किन देने को तैयार नहीं था. तो मैंने कहा यार अपने आप पे ट्राई करना पड़ेगा, एक बार अपने आप पे ट्राई कर ले, जब अगर चीज़ अच्छी बन जाएगी तो ऑब्वियसली पीपल विल आस्क फॉर इट. एंड द मोमेंट आई गॉट माई टैटू डन, खुद से बनाया मैंने, लोगों ने देखा एंड दे वर लाइक वाह वी कैन एक्चुअली यू नो दिस इज पॉसिबल, लड़का बना सकता है टैटू लाइक दैट. ऑल्दो यू नो इन फैक्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस इनिशियली मुझ में भी नहीं था इस बारे में, बिकॉज होता क्या है जब आपको टैटू वर्क मिलता है काम करने के लिए तो देर लॉट ऑफ थॉट्स. वॉट इफ 6 फुट 4 इंच का आदमी खड़ा है विद अ बिग डील डॉल, उसका टैटू खराब कर दिया, ठोक देगा यार वो आपको, मारेगा दबा के. आर यू प्लेइंग विद समबडी स्किन, इट्स लाइक मोर और लेस ऑफ अ सर्जरी. आप किसी पे सर्जरी कर रहे हैं, एक एलियन सी चीज़ है कलर जो हम आपके शरीर के अंदर डाल रहे हैं, आपकी स्किन पे बिलोंग नहीं करता. सो इनिशियली वो थॉट मुझे भी स्केयर करता था कि क्या अगर मैंने ये टैटू खराब कर दिया तो पिटाई हो जाएगी मेरी. सो वो थॉट रहता था मन में, पर अब नहीं. दैट इज 6 years back. बस कर जाते जाते आपने जो नरेंद्र मोदी का टैटू बनाया उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को और नरेंद्र मोदी जी को? सी मिस्टर मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, आई वुड एक्चुअली लाइक टू टेल हिम कि सर यू हैव 5 years इन योर हैंड नाउ, वॉक योर टॉक. जो आपने बोला है वो आप करके दिखाइए, लाइक माई रोडी शो वॉक योर टॉक. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू वॉक योर टॉक. एंड टू द यूथ I would like to give a message. Just keep your eye open. अपनी आंखें खुले रखिए, कान खुले रखिए और जुबान भी खुली रखिए. गांधी जी के 3 मंदिर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे देश में गांधी जी के 3 मंदिरों की कोई ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में. जितना आप एक्टिव रहेंगे, अपनी सराउंडिंग से आप अवेयर रहेंगे, उतना देश तरक्की करेगा. चलता है एटीट्यूड, लेके चलने वाले लोग कहीं नहीं पहुँचते. सो Our country has to get rid of this चलता है attitude. जिस दिन हमें चलता है attitude, हाँ चलता है, जिस दिन आप चलता attitude से 2 कदम आगे सोचने लगेंगे उस दिन हमारा देश developed country हो जाएगा, developing नहीं रहेगा. Thank you so much. Pleasure. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, काफी लोग inspire हुए हैं, आपने तो inspire होकर tattoo बना लिया, क्या वजह? Can we have some silence actually? देखिए मैं एक राइटर हूँ और इससे पहले मैं नॉवेल्स लिखती थी.
और आई हैव रिटन ऑन लव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट सोलमेट बट एंड देन आई हैव रिटन फिल्म्स और अब एज अ राइटर आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म ऑन मिस्टर मोदी सो द थिंग इज कि उन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है और इतने सालों में पहली बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी से वो जीते हैं और यूथ उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अगर आप फेसबुक पे जाइए या ट्विटर पे जाइए तो आप देखेंगे कि हर कोई उनके बारे में बात करता है और हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे उनकी लगती है कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत टाइम के बाद आई थिंक किसी पॉलिटिशियन में वो इंडियन पॉलिटिशियन में देखने को मिली है So I am as a young person, as a young writer, I am quite inspired by his life. देखिए उनकी जो स्टोरी है वो तो हर जगह अवेलेबल है उनकी स्टोरी हम सब जानते हैं कैसे उन्होंने हिमालय पे गए थे वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया था कैसे उन्होंने अपना टी स्टॉल खोला था और फिर कैसे उन्होंने सोशल सर्विस करी और गुजरात का तो पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया उन्होंने और अब इतनी बड़ी मेजॉरिटी से वो जीते हैं आफ्टर राजीव गांधीज़ टाइम आई थिंक वो पहले हैं जो कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ है सीखने को और बहुत कुछ जो कि यूथ को इंस्पायर कर सकता है और मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है या मतलब मेरी ऐसी विश भी है कि इंडिया को वो काफ़ी आगे ले जा सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर क्योंकि अगर आप उनकी कोई भी बातें देखें कोई भी इंटरव्यू देखें ख़ास तौर से एक बार मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था फ्रेंकली स्पीकिंग उस पर जिस तरह से उन्होंने बातचीत की थी ही इज़ वेरी सॉर्टेड तो वो चीज़ मुझे बहुत उनकी पसंद है बहुत इंस्पायर करती है जी आपकी जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ घोस्ट तो उस तरह की कुछ फिल्म आप मतलब स्टोरीज पे बनाने वाले हैं गैंग्स ऑफ घोस्ट के डायरेक्टर मिस्टर सतीश कौशिक ही इज़ अ मैवरिक एंड वो भी मुझे काफ़ी इनक्रेज करते रहते हैं और हाँ मैं उनसे काफ़ी स्टोरीज डिस्कस करती हूँ और बाकी भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो स्टोरीज तो बहुत हैं आइडियाज़ तो बहुत हैं और आई रियली वॉन्ट टू मेक रियली गुड फिल्म्स आई वॉन्ट टू चेंज हाउ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सीन अब्रॉड में भी अगर मैं ये दिखाना चाहती हूँ अपनी फिल्मों के थ्रू और अपनी स्टोरीज के थ्रू कि हम लोग भी साइंस फिक्शन बना सकते हैं हम लोग भी फैंटेसीज बना सकते हैं हम लोग भी रियली मतलब दिल को छूने वाली लव स्टोरीज़ बना सकते हैं और हम इंस्पिरेशनल फिल्म्स भी बना सकते हैं जैसे क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियंस रहे हैं पास्ट में भी और रेवोल्यूशनरीज रहे हैं जो लोगों को ऑन अ वर्ल्ड लेवल पर इंस्पायर करते हैं सो मिस्टर मोदी इज़ वन ऑफ दोज फॉर श्योर आपने जैसे कि बोला कि इंस्पिरेशन स्टोरी होगी तो आपने आप जो मूवी बना रहे हो उसमें भी कुछ इंस्पिरेशन होगा और कुछ मैसेज होगा डेफिनेटली होगा और अभी ऑलरेडी है छोटी छोटी बातें जैसे कि आप ये देखिए अभी टेक्स्ट बुक्स में मिस्टर मोदी को की लाइफ को डाला जा रहा था बट उन्होंने खुद ही ट्विटर पे अपडेट कर दिया कि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया तो ही इज़ टेक सैवी ही इज़ लाइक अ न्यू एज पॉलिटिशियन हु नोज सो मेनी थिंग्स सो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनकी लाइफ और उनका स्ट्रगल वो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी भी है एक तरह से देखा जाए और वो काफ़ी ऐसे सेल्फलेस साउंड करते हैं जब वो बातचीत करते हैं और ही कम्स विद एन एजेंडा वो एक्चुअली में लगता है कि वो वाकई में देश को बदलना चाहते हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मी एज अ पर्सन आई वॉज वेरी न्यूट्रल वैन इट केम टू पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस मैं कभी बातचीत नहीं करती थी या इस तरह के डिस्कशंस में कभी अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व नहीं होती थी आज तक नहीं हुई इवन जब इलेक्शंस इस बार चल रहे थे और इतनी ज़ोर शोर से हर जगह पे पब्लिसिटी और बातचीत हो रही थी आई डोंट थिंक मैंने कोई एक भी ऐसा स्टेटस या कोई ऐसी कोई फ़ोटो डाली हो सो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा ओपिनियन भी चेंज कर दिया कि मैं एक न्यूट्रल ए पोलिटिकल पर्सन हूँ और मेरे जैसे इंडिया में बहुत होंगे आई एम श्योर स्पेशली जो यंग जनरेशन के हैं क्योंकि हम लोगों को हमने बचपन से ही देखा कि स्कैम्स होते हैं घोटाले होते हैं पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं नाउ वी आर काइंड ऑफ सीइंग अ चेंज सो ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है और इस ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ है सो आई थिंक वी हैव लॉट टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ एंड व्हाई नॉट मेक एन एफर्ट टू डू इट चले जाते आते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे नई सरकार के बारे में और पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि
देखिए मैं कोई मैसेज तो अभी नहीं दे सकती कि मैंने ऐसी कोई अभी इतनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स या अचीवमेंट्स नहीं करी है कि मैं मैसेज दूँ. मैं खुद सीख रही हूँ और ऐसी ही पर्सनालिटीज, ऐसे सक्सेसफुल लोगों से हम सीखते हैं. तो मैं अपने फ्रेंड्स को या अपनी एज ग्रुप के लोगों को या जो मुझसे बड़े उनको भी यही कहूँगी कि वी शुड यू नो टेक द एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग थिंग्स ऑन आवर ओन. यू नो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन ओनली आवर पॉलिटिशियंस और ओनली द गवर्नमेंट टू डू न्यू थिंग्स और टू इन्हेंस आर लाइफ स्टाइल्स. मतलब हम खुद भी मेहनत कर सकते हैं. हम खुद भी अगर कोई रोड पे जा रहा है, उसको कोई छेड़ रहा है, तो हम भी खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं. या फिर अगर गंदगी है तो हम उसे खुद साफ कर सकते हैं. मतलब कि वी डोंट नीड अदर्स टू डू इट फॉर अस. तो ये यू कैन कॉल इट अ मैसेज और माई थॉट. दिस इज़ व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच.